नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आज वायरमैन का जो लाइसेंस बनाते हैं एसएसओ के माध्यम से, उसके बारे में बताऊंगा। इसके द्वारा आप वायरमैन का लाइसेंस बना सकते हैं, सुपरवाइजर का लाइसेंस बना सकते हैं, सुपरवाइजर ग्रेड ए का लाइसेंस बना सकते हैं, ग्रेड बी का बना सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस बना सकते हैं, ये सारे लाइसेंस बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी जो एसएसओ आईडी है उसे लॉगिन करना है। एसएसओ लॉगिन करने के बाद में आपके यहाँ पे एप्लीकेशन आएंगे, उसमें अदर एप्स जो आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपको सर्च जो क्योंकि सर्च का ऑप्शन दे रखा है, इसमें ई आई डी आपको सर्च करना है। ये इलेक्ट्रिक विभाग से संबंधित है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको राजस्थान एनर्जी की वेबसाइट पे ले आता है। यहाँ पर आपको चूज कर लेना आपको कौन सा लाइसेंस बनाना है। आपको इस तरह के वायरमैन है, सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल क्लास ए, इलेक्ट्रिकल क्लास बी, सुपरवाइजर माइन का बन सकता है, कॉन्ट्रैक्टर क्लास ए, कॉन्ट्रैक्टर क्लास बी, कॉन्ट्रैक्टर क्लास सी, कॉन्ट्रैक्टर क्लास डी, ये इतने सारे आप यहाँ के लाइसेंस बना सकते हैं। अब जो आईटीआई कर रखी है, जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर रखी है, वो यहाँ पे वायरमैन का लाइसेंस यहाँ पे बना सकते हैं। तो वायरमैन का लाइसेंस बनाने के लिए वायरमैन पे क्लिक करना है। फिर उसके नीचे है डू यू हैव सर्टिफिकेट परमिट लाइसेंस। यदि आपके पास पहले कोई परमिट है काम करने का या फिर कोई सर्टिफिकेट लाइसेंस है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, और अथवा नो जो फर्स्ट बार आवेदन कर रहे हैं वो करेंगे नो, आई डू नॉट हैव सर्टिफिकेट परमिट लाइसेंस, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर ये जो ऑप्शन सबमिट आ रहा है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे व्यू एलिजिबल कैंडिडेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी है। वायरमैन के लिए कैंडिडेट को चाहिए आईटीआई होना चाहिए अथवा नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट हैविंग परमिट टू वर्क एज वायरमैन इश्यूड बाय कंपोनेंट अथॉरिटी एंड अदर। सिंपल, जिनके पास आईटीआई है इलेक्ट्रिशियन से वो वायरमैन का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबमिट करेंगे, ओके, ये आ जाएगा यहाँ पर। और इस पे फिर आपको मैनेज प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। मैनेज प्रोफाइल पे आप जैसे क्लिक करोगे ये मैनेजमेंट प्रोफाइल आ गया। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डाल के सेंड ओटीपी पे आप क्लिक करोगे तो ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी यहाँ पर आपको डालनी है और ओटीपी वेरीफाई करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम लिखना है, इस वाले ऑप्शन में मिडिल नेम, इस वाले ऑप्शन में लास्ट नेम, में लास्ट नेम डालना है। यहाँ पर फादर्स नेम, एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है, ईमेल आईडी डालनी है। आप ये जो ग्लोक हो रखे हैं आप आधार नंबर डाल के ओटीपी डालोगे तो ये हाईलाइट हो जाएंगे और इसमें आप एडिट कर पाओगे, लिख पाओगे। एड्रेस यहाँ पे आपको इस पे डाल देना है, पिन कोड, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान स्टेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ डालने के बाद में यदि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वर्क एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, और वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसे ऐसे ही रहने दें। उसके बाद में यहाँ पे आता है एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर आप पहले जो अपने आईटीआई है उससे संबंधित अपनी एजुकेशन डाल लेंगे। उसकी जो पीरियड ऑफ एजुकेशन ईयर कितने पीरियड की होती है, जैसे 2 साल की आईटीआई है तो 2 साल यहाँ पे 2 लिखेंगे, 1 साल के तो 1 लिखेंगे। स्कोर जो परसेंटेज है वो लिखेंगे, फ्रॉम नेम में यहाँ पे स्कूल का नाम ही वापस डाल देना। और ड्यूरेशन मंथ्स में आपकी जो 12 महीने की है तो 12 महीने डालेंगे, 1 साल की है तो 12 महीने होंगे और 2 साल की है तो 24 महीने इसमें आ जाएंगे। फिर इसमें एक मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना होता है। तो मेडिकल जिस ऑफिसर से बनवाया है उसका नाम यहाँ पर आएगा, डॉक्टर का नाम, और उसका जो ऑफिस एड्रेस हॉस्पिटल का जो नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा। और इस वाली आईडी में जो मेडिकल आईडी होती है डॉक्टर की वो आईडी इसमें आएगी। उसके बाद में आप यहाँ पर एजुकेशन डिग्री में अपनी आईटीआई की डिग्री वगैरह अपलोड कर दें। अपलोड मार्कशीट में अपनी जो 10th 12th की मार्कशीट है वो अपलोड करेंगे। डेट ऑफ बर्थ में अपना डेट ऑफ बर्थ से संबंधित प्रमाण पत्र, और मेडिकल वाले में मेडिकल से संबंधित अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी जो फ़ोटो है वो, ये चूज वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप फोटो चूज करके फोटो अपलोड करेंगे। ये वाला चेकबॉक्स है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर सिग्नेचर भी आपको अपलोड कर देना है, और फिर आप सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
अब जैसे ही आप इसे सबमिट करोगे, सबमिट करके ओके पे दबाओगे तो यहाँ पे पेमेंट वाली जगह पे चला जाएगा। कंटिन्यू आपको इस पे करना है, दोबारा ये आपकी एप्लीकेशन डिटेल आ गई, कंटिन्यू करना है, ये विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो कॉर्नर में जो राइट साइड में कॉर्नर है यहाँ पे मेन्यू दिया हुआ है, मेन्यू पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड ट्रैक एप्लीकेशन पेमेंट फॉर फ्रेश, इस पे आपको क्लिक करना है। और इसमें जो परमिट टू वर्क, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। परमिट टू वर्क पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो पेमेंट है उसकी डिटेल आ जाएगी। एग्री टू पे आपको क्लिक करना है और पे फीस पे क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करते ही ये वाला ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाता है और इसमें आप जो एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से या फिर यूपीआई, इन माध्यम से आप जो पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट पे आप अपने जो कार्ड की वगैरह डिटेल डालेंगे तो यहाँ पे 500 रुपये फीस थी और उसमें कुछ और जोड़ दिया गया है, चार्ज 589 रुपये इसका कर दिया है। अब आपके पास फोन पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे डालेंगे तो पेमेंट कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे पेमेंट फेल्ड बता रहा है तो मुझे दोबारा करना होगा। एक बार आप यहाँ पर इसे वेरिफिकेशन में भी देख सकते हैं कोई समस्या हो तो। सर्वर सर्वर में दिक्कत है तो मैं एक बार फिर से इसका पेमेंट कर लूंगा चेक करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज कीप लाइक एंड सब्सक्राइब। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाए उसके बाद में बैक टू SSO पे आप जाएंगे। और यहाँ पे EID पे जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे और ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे आ रहा है ना, अभी नोट सबमिटेड येट। आपका पेमेंट जैसे ही कंटिन्यू हो जाएगा तो यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन ID आ जाएगी। मैं दोबारा से पेमेंट करना होगा मुझे तो मैं वापस आ गया, यहाँ पे मेन्यू पे आऊँगा और वर्क परमिट पे पेमेंट पे करूँगा। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरा पहले का पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ। मैं अपने जो अकाउंट में भी चेक कर लेता हूँ कहीं पैसा कटा है तो मैं वेट करूंगा, नहीं कटा है तो दोबारा से अप्लाई करूंगा। अभी मेरा पेमेंट प्रोसेस हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज कीप लाइक एंड सब्सक्राइब।